हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मावे के पेड़े, जिसको आप एक बार बनाएंगे ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसको बार बार बनाएंगे जो देखने। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम मेहनत लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मावा। ये मावा मैंने लिया है 250 ग्राम, और इसको हाथों से क्रश कर लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बहुत प्रेशर से नहीं करना है। तो चलिए, हल्के हाथों से मैंने इसको क्रश कर लिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट हमें क्या चाहिए? अब दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें डेसिनेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, तो ये लिया है मैंने एक बॉल। और तीसरी चीज़ चाहिए हमें बूरा, या आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैंने इन तीन चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो देखिए, मैं इसको हल्के हाथों से मिला रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इन सब चीज़ों को मिला लेना है। तो देखिए, मैंने इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, और इसको हम हल्के हाथों में से लेंगे और मुट्ठी में भींच के दिखाएंगे। देखो, ये ऐसे जुड़ रहा है, देखिए। चलो, अब हम इसको बना लेते हैं अपने लड्डू, पेड़े, कुछ भी आप शेप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं दो तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया है और हल्का हल्का दबा दबा के इसको रोल करके हम इसे एक लड्डू की शेप दे देंगे। आप चाहे जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इनको जब एक बार बनाएंगे ना, तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको एक गोल शेप दे दी है। अब मैंने थोड़ा सा नारियल के बुरादे को थोड़ा सा बचा लिया था, जो इस पर ऊपर से कोटिंग करने के लिए। तो देखिए, मैं इसकी कोटिंग कर देती हूँ ऊपर से, चारों तरफ से इसको घुमा घुमा कर इस पर चारों तरफ से इसको नारियल के बुरादे को लगा लेते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बाकी के पेड़े को भी या लड्डू को भी इसी शेप में बना, तो दूसरे लड्डू को भी मैं बना लेती हूँ। चलिए, मैंने थोड़ा सा और लिया है, तो इसको भी हम लड्डू की शेप दे देते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जब इसको एक बार बनाएंगे ना, तो आपको बार बार खाने का भी मन करेगा और बनाने का भी करेगा, क्योंकि बहुत ही कम मेहनत में बन जाते। तो दूसरे लड्डू को भी मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, जितना मेरा मिक्सचर था ना, मैंने उसके आधे को गोल शेप दी है और आधे को मैं थोड़ी सी लंबी शेप दे रही हूँ। आप शेप चाहे जो मर्जी दे सकते हैं, पर मैं थोड़े से आधे को दूसरी शेप दे रही हूँ, थोड़े से लंबे आकार में। तो इसको भी मैंने बना लिया है और नारियल के बुरादे से इसको भी ऊपर से, देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से इसको नारियल के बुरादे से कवर कर लिया है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने मेरे कहने पे फ्रेंड्स, एक बार इसको बनाइए और खाइए, यकीन मानिए आप इसको बार बार बनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।